तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए टाइम पे हाजी अली, 6:30 बज रहे हैं और 20 मिनट बचे हैं इफ्तारी करने के लिए। तो गाइस हाई टाइड का टाइम है और मैंने माइक लाना भूल गया हूँ। मैंने सोचा था वायरलेस माइक लेके आऊंगा तो अच्छे से शूट होगा। एक नंबर व्यू है, ये देखो बहुत खूबसूरत व्यू है, आपको भी देखने में अच्छा। इफ्तारी करने का इंतजाम है, ये देखो पूरी प्लेट्स लगी है और उधर साइड जो दिख रहा है आपको उधर भी है, वो मेल का है, अंदर फीमेल्स का है। होला चिकोस, कोमो एस्ता। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं 2:15 बचे नमाज को। तो मैं ब्लॉग सुबह में स्टार्ट करने वाला था लेकिन सुबह में भाई इतनी नींद आ रही थी, मेरी आँख नहीं खुल रही थी, मैंने इस तरह से सहरी किया और बाकी सारी फिर मैं सो गया। उठने के बाद फिर मैं 2-3 घंटा काम था, बोला चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज है जुम्मा, तो ये है रमज़ान का 3रा जुम्मा, तो आप सभी को रमज़ान का जुम्मा मुबारक। तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि आज जुम्मा है तो कुर्ता पहनना है, तो कुर्ते के साथ अपन माप भी दे सकते हैं, मतलब साइज़ वगैरह मेजरमेंट वगैरह दे सकते हैं टेलर को। तो इतने सारे कुर्ते हैं, अभी अंदर भी है। तो ये देखो इसमें 2-3 जुब्बा है और ये वाला कुर्ता है, ये है, ये है और बाकी शर्ट है। और ये वाला जो कुर्ता है आज मैं ब्लैक वाला पहन रहा हूँ क्योंकि इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी है। तो ये पहन के माप दूंगा, मतलब मेजरमेंट दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सामने, मतलब उसके पास तो है मेरा, मतलब अकील भाई के पास, लेकिन फिर भी। लेकिन इस बार मेरा ईद में कुछ अलग प्लान है, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अगर वो प्लान सक्सेसफुल होता है पहनने के लिए। भाई बहुत यूनिक है और पहनने के बाद अच्छा भी लगेगा। फिलहाल तो भाई ये स्टडी ही हो रहा है, फटाफट इसको पहनते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज हो चुका हूँ मैं रेडी, ये देखो ब्लैक कुर्ता पहना हूँ लेकिन ब्लैक मैचिंग टोपी नहीं, बाकी दूसरे बहुत सारी टोपी है लेकिन इस पे मैच नहीं हो रही है वो। तो मैंने बोला चलो ये नॉर्मल वाली पहनते और फटाफट चलते हैं, अभी नमाज के लिए टाइम हो रहा है। ऐसा लग रहा था वो गाड़ी में पेट्रोल कम है इसलिए मैं अपाचे लेके निकला हूँ। प्रॉब्लम नहीं भाई, रास्ते में खत्म हुआ था, धक्का कौन मारेगा रोजे में, इसलिए ऐसे ही निकला हूँ मैं इस पे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे और बहुत टाइम बाद, मतलब मैं इधर के इधर ही है, घर के पीछे ही है, बस ऐसा होता था बहुत टाइम हो जाता था, कुछ ना कुछ काम आता था। तो आज रमज़ान भी मतलब 3रा जुम्मा है और अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे और कब्रिस्तान में भी जाएंगे। ये देखो तो गाइज ये वीडियो मैं 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं मुंबई। और क्योंकि मोहम्मद अली रोड का वीडियो बचा था तो मैं बोला कितना भी, मतलब मेरे बैक पेन, मतलब लगभग 3 दिन से मेरे को बैक पेन था बहुत, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं गया तो आज 2200 रोज़ है तो आगे भी बहुत प्रॉब्लम होंगी, फिर मैं जाने नहीं मिलेंगे और भाई फिर वो रिग्रेट रहेंगे कि गए नहीं मुंबई मोहम्मद अली रोड खाने के लिए, शूट करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो ये बाकी सारी चीज़ें मेरी पैक हो चुकी है, ये कुछ खाने का आइटम है, ये बैग है, तो ये हेलमेट लेके जा रहा हूँ मैं क्योंकि आज अपन जाने वाले हैं अपनी एंटॉक पे। तो एंटॉक है पुणे में, तो यहाँ से मैं बस से पुणे जाऊँगा और वहाँ से निकलेंगे हम लोग मुंबई के लिए। तो फिलहाल निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग पहुँचे खपोली के पास और भाई गर्मी इतनी है कि हम लोग कुल्ली करने के लिए, मतलब चाचा से पानी लिए कुल्ली करने के लिए, अभी कुल्ली करेंगे और फटाफट यहाँ से निकलेंगे। दो पानी पी लिया? नहीं, मैंने पानी पिया गया? अच्छा नहीं पिया ना, मैं इनको बोल रहा था पानी मत पियो, इन्होंने पानी पी लिया शायद। तो अभी हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अभी मैं भी मुंह धोता हूँ और फिर निकलते इधर से। और बहुत प्यास लगी, मेरा मुंह देख के मालूम पड़ रहा होगा इतनी गर्मी इधर पे। नहीं नहीं, पूरे रास्ते यही चल रहा था अपन मोजी तो पियेंगे, अपन ये खाएंगे, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मोजी तो पियेंगे, शरबत पियेंगे, ये ना वो, बाकी रोजे में होते रहता है। फटाफट निकलते इधर से। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हाजी अली इफ्तारी करने के लिए, तो यहाँ पे छुट्टे फ्रूट है तो इधर से हम लोग छुटा फ्रूट ले रहे हैं और रगड़ा भी है, तो ये सब तो आने के बाद खाएंगे, फिलहाल तो फ्रूट लेते। वहाँ पाइनएप्पल और कलिंगर भी है तो लेते सब और वहाँ जाते पहले। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हाजी अली, पहले प्लान नहीं था, पहले मेरे ऐसा प्लान था कि जूते कुर्ता वगैरह कपड़ा देखूंगा और बाकी ड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी ऐसा प्लान नहीं है कि हाजी अली आगे पहले इफ्तारी करेंगे, उसके बाद आगे का जो भी प्लान है वो करेंगे। सबसे लगा इतनी भूख लगी, हम लोग लगभग 2 स्टॉप में हम लोग पुणे से इधर पहुँचे हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए टाइम पे हाजी अली, 6:30 बज रहे और 20 मिनट बचे हैं
इफ्तारी करने के लिए, और कम आइटम लिए हम लोग ने खाने के लिए, क्योंकि मोहम्मद अली रोड जाके बहुत सारी चीज़ें खाना है, ट्राई करना है, तो फटाफट चलते हैं और इफ्तारी करते हैं इधर पे। इस लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ये वाला ब्रिज नहीं था और अभी बन चुका है, तो समंदर का पानी थोड़ा आगे रुकता है, अभी पहले इधर तक आता था पीछे तक, लेकिन अभी आगे रुकता है क्योंकि ब्रिज बन चुका है इसके ऊपर। तो गाइस ये देखो हाई टाइड का टाइम आ चुका है, ये हो रहा है सनसेट और पानी देखो कितने ऊपर तक आ रहा है, ये देखो ऊपर तक आ रहा है, थोड़ा इधर से चलो ठीक है। तो गाइस हाई टाइड का टाइम है और मैंने माइक लाना भूल गया हूँ, मैंने सोचा था वायरलेस माइक लेके आऊँगा तो अच्छे से शूट होऊंगा, लेकिन पानी इतना ऊपर तक है और मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन भाई एक नंबर व्यू है, ये देखो बहुत खूबसूरत व्यू है, आपको भी देखने में अच्छा लग रहा होगा। और सामने दरगाह का व्यू देखो, दरगाह आने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। तो गाइस पहुंच चुके हैं देखो दरगाह की तरफ, तो अभी अंदर जाएंगे फटाफट से, ठंडा पीने के लिए कुछ लेंगे और बैठ जाएंगे अपनी जगह पकड़ के। हम लोग ने इतने दूर से लेके आए ये जमा करके, ये सामने भी इधर मिल रहा था तो फुकट की हमारी हमाली हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है हम लोग ने लेके तो आ गए। तो गाइस नीचे हम लोग खोल सकते थे रोजा आराम से बैठ के, लेकिन फिर ऐसा होता कि फिर साथ में नहीं खोल सकते थे, इधर सुकून से भाई ये एरिया है। लास्ट टाइम के वीडियो पे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लास्ट टाइम भी हम लोग ने सबने मिलके इधर रोजा खोले थे। हाँ ये नहीं रहते इनके, मतलब इनके बहनों के साथ मैं रहता हूँ रोजा खोलने के लिए, तो इस बार हम दोनों ही रोजा खोलने के लिए, तो खोलते हैं मस्त आराम से रोजा, फटाफट इसको निकालते। देखो ऐसा था कि फ्रूट्स आराम से खाएंगे और हम पीने के लिए स्प्राइट और पानी ले लिए, बाकी के जो चीज़ें वो आपको तो आगे ब्लॉग में मिलेंगी मोहम्मद अली रोड का एकदम डिटेल में।